मुलायम सिंह के बेटे के होने के अलावा क्या क्वालिफिकेशन थी अखिलेश यादव की, मुझे बात बता दो। संभल में जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अखिलेश यादव की योग्यता पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बताएं कि मुलायम सिंह यादव का बेटा होने के अलावा उनके पास क्या योग्यता है जो वे सीएम बनने का सपना देखते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश बताएं कि आखिर उनकी क्या पहचान है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आजम की बदतमीजी अब बर्दाश्त नहीं होगी, अब प्रदेश में योगी की सरकार है। तो पर पहुंचा दिए या इस प्रदेश से बाहर नहीं होंगे, इस प्रदेश में गुंडागर्दी छोड़ दी योगी जी की सरकार, और ऐसी सरकार है मची जो गरीबों का भी ध्यान रख सके और जो सुरक्षा भी दे सके। क्या हुआ, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, सीए का बात आई कि जब सीए का कानून आया तो क्या गलत था भाई, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, जो बांग्लादेश में हैं जिनके ऊपर अत्याचार है, अगर वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं और उन्होंने नागरिकता दे देते तो क्या दिक्कत थी। पर उस पर दंगा करने का प्रयास किया। अब एक छोटी सी बात पर कई बार माहौल गर्म करने का, उत्तर प्रदेश में काम करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, पर वे भूल गए कि अब कानून का राज है। अब कोई बदतमीजी बर्दाश्त किसी कीमत पर की नहीं जाएगी। भाईचारे से रहो, कहीं ये किसी के बहकाए मायके कुछ ना करो, राजनीतिक दल कुछ चाहते हो। और सबको पता है इसमें समाजवादी पार्टी का कुछ दलों का हाथ निकल का आया है, कुछ दलों के लोग हैं जो इन बात को भड़काना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की शांति को में खलल डालना चाहते हैं। ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि जब ये सरकार भेदभाव नहीं कर रही तो क्या आवश्यकता है इस सरकार के खिलाफ बोलने की। और एक बार जाति धर्म के बात छोड़ो और इस परिवारवाद को अलग करो, इस उत्तर प्रदेश में एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती अगर परिवार छोड़ बात छोड़ दो, धर्मवाद छोड़ दो। हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं। और भोला सिंह ने कहा विशेष सम्मान है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं का, हर बात में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम यह सरकार कर रही है। अब तो उत्तर प्रदेश में जो डेयरी कोऑपरेटिव नहीं बना रहे हैं, जो डेयरी कोऑपरेटिव बनने जा रही है, उस डेयरी कोऑपरेटिव की ज्यादातर सदस्य क्या 100% सदस्य महिलाएं होंगी। महिलाओं को आगे रख के ही काम चलेगा देश में, इन्हें आगे बढ़ाना है इस सरकार को, जो कि बनाने में आपका बड़ा योगदान है महिलाओं का, तो ये सरकार आपके पीछे पीछे चलेगी, आगे बढ़ाने का काम महिलाओं की सरकार करेगी। आज के दिन एक विशेष बात है जिसे लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ रहे हैं, वो है इस पूरे देश की राजनीति से परिवारवाद का खात्मा, के परिवारवाद ना रहे। एक गरीब का बड़ा मुख्यमंत्री बने, एक गरीब का बच्चा सांसद और विधायक बने, एक गरीब का बच्चा नरेंद्र मोदी की तरह देश का प्रधानमंत्री बने। समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो या तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो भाई, क्या क्वालिफिकेशन अखिलेश यादव की, मेरे से उम्र में छोटा ही है, 36 साल का आपने मुख्यमंत्री बना दिया भाई, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था उसने। मुलायम सिंह के बेटे के होने के अलावा क्या क्वालिफिकेशन थी अखिलेश यादव की, मुझे बात बता दो। रिजर्वेशन कर दो क्या देखा कि नेताओं का बेटा ही नेता बनेगा, कि चौचर सिंह का पोता नेता बनेगा, अखिलेश का बेटा नेता बनेगा, मुलायम सिंह का या गांधी परिवार का बेटा बनेगा, कोई रिजर्वेशन तो उनका अभियान ही भाई, आपका भी नहीं बन सकता। गरीब जो बैठे, किसान बैठे, ये माताएं बहने बैठी, आपके बच्चे जो विधायक सांसद नहीं बन सकते, आपके बच्चे क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, देश बदलाव की ओर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।